एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिसिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट तरन्नुम एंड आज मैं आपको लेकर आई हूं रीगल हाइट में। वो लग्जरी इज इन ईच डिटेल, जो लोकेटेड है आपके 91 सेक्टर में, जो कि एक काफ़ी पॉश एरिया है। मैं आपको डिटेल टूर करवाने वाली हूं रीगल हाइट का, बट उससे पहले आप देखिए कुछ ग्लिम्प्स। कंप्लीट 1.5 एकर्स टाउनशिप, जिसमें आपके तीन टावर्स आ जाएंगे विद S+14 कंसेप्ट। एंड गाइस, जो आपको अपार्टमेंट यहां पे मिलने वाले हैं वो 3 साइड ओपन रहेंगे, आपके सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको मिलेंगे एंड आपके सारे ही अपार्टमेंट्स आपको मिलने वाले हैं गोल्फ कोर्स फेसिंग। गाइस, क्योंकि आपके बिल्कुल प्रोजेक्ट के एडजॉइंट में आने वाला है गोल्फ कोर्स बाय गमाडा। आपको प्रोजेक्ट के बारे में बाकी डिटेल्स देने से पहले मैं आपको ये स्कूल दिखाना चाहूंगी जो आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट आ जाएगा। ये आपका मानव मंगल स्कूल है, जो कि इंडिया के टॉप स्कूल्स में से एक है, तो ये आपको बिल्कुल एडजॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे दिल्ली पब्लिक स्कूल भी मिलने वाला है, तो आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी। आपको प्रोजेक्ट के एडजॉइंट में ही काफी अच्छे अच्छे स्कूल यहाँ पे मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें तो प्रोजेक्ट के एडजॉइंट में यहाँ पे आपको सुहाना हॉस्पिटल, आपका IVY हॉस्पिटल भी मिलने वाला है। CGC लांड्रा आपका यहाँ से सिर्फ 5-6 मिनट की ड्राइव पे रहने वाला है। आपका VR मॉल यहाँ पे नजदीक आ जाएगा एंड और भी नियर बाय हॉटस्पॉट्स की बात करें तो लाइक काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। लोकेशन की बात करेंगे तो 91 सेक्टर है ये आपका मोहाली का, जो कि मोहाली के वन ऑफ द पॉश एरियाज में से एक है, जो कि फर्दर कनेक्टेड रहेगा आपके 2 मेजर हाईवेज के साथ। एक आ जाएगा आपका PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड एंड सेकेंड रहेगा आपका थरड लांड्रा हाईवे। तो यहाँ से आपको सारी ही स्टेट्स के लिए, सारी सिटीज के लिए इजी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपकी 1.5 एकड़ की कंप्लीट टाउनशिप है एंड उस टाउनशिप का पूरा डिजाइनिंग किस तरीके का रहने वाला है उसका ओवरव्यू हम लेंगे थ्रू दिस 3D मॉडल, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा आपका एंट्री गेट। गाइज, आपको प्रोजेक्ट में 2 गेट मिलने वाले हैं, एक रहने वाला है आपका एंट्री एंड दूसरा रहेगा आपका एग्जिट गेट। कंप्लीट 3 टावर आ जाएंगे विद S+14 कंसेप्ट, जिसमें आपका 2 लेवल पार्किंग आपको मिल जाता है, एक आपका बेसमेंट पार्किंग एंड दूसरा रहेगा आपका स्टिल्ट पार्किंग। 64% एरिया जो है प्रोजेक्ट का कंप्लीट ग्रीन रहने वाला है, जिसमें आप ये पार्क्स एंड ऑल देख सकते हैं, जिसमें आपकी डिफरेंट अम्यूनिटीज आ जाएंगी लाइक योर ओपन जिम, किड्स प्ले एरिया, योर जकूजी, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। एंड अम्यूनिटीज की बात हो रही है तो इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लब हाउस भी मिलने वाला है, जो आ जाएगा आपका इस साइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी डिफरेंट फैसिलिटीज़ एंड अम्यूनिटीज़ रहने वाली हैं, आपका स्विमिंग पूल, आपका योगा रूम, जिमनाजियम, योर पार्टी हॉल, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें भी मिल जाएंगी। सो गाइज, ये तो था हमारा ओवरव्यू। अब चलेंगे इसके बाद हमारे सैम्पल अपार्टमेंट में एंड मैं आपको कंप्लीट अपार्टमेंट चेकआउट करवाऊँगी, तो आइए चलते हैं। सो दिस इज द लॉबी एरिया। एक फ्लोर पे आपके 3 अपार्टमेंट्स रहेंगे विद 2 लिफ्ट एंड 2 स्टेयरकेस। तो यहाँ है हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट जो हम टूर करने वाले हैं, तो आइए चलें। गाइस, स्टार्टिंग में यहाँ पे आपको फॉर द सिक्योरिटी पर्पस डोरबेल मिल जाता है, जिसमें आपका कैमरा भी लगा हुआ है एंड जो आपका डोर रहेगा मेन डोर वो आ जाएगा विद डिजिटल लॉक। तो आइए चलते हैं अंदर। So this is our today's sample apartment in the size of 1800 square feet. Guys, मैंने आपको enter करते यहाँ पे एक video call का feature दिखाया था, आपका doorbell दिखाया था, तो यहाँ पे आपको वो tab मिल जाता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका bell किसने ring किया है, क्योंकि camera का feature आपको साथ में मिल रहा है। इसके brand की बात करें तो Euro Beagle आपका brand use किया गया है इसमें।
सो जैसे ही आप एंटर करेंगे घर में, यहाँ पे आ जाता है आपका ड्रॉइंग एंड डाइनिंग एरिया, जिसकी अगर हम कंप्लीट साइज की बात करेंगे तो 18.5x12 का साइज रहेगा आपका ड्रॉइंग एंड डाइनिंग का। तो पहले हम ड्रॉइंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप सिटिंग देख सकते हैं, 8-seater सोफा आपका ऑलरेडी प्लेस्ड है, बीच में आप सेंटर टेबल देख सकते हैं। उसके बाद भी मेरे पास मूव करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है, लाइक यहाँ से आप स्पेस का आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे आपकी एसी की डक्टिंग रहने वाली है। एंड गाइज, फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका यहाँ पे बालकनी भी आ जाएगा आपके ड्राइंग एरिया के साथ अटैच, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका रनिंग बालकनी रहने वाला है। आपके गेस्ट बेडरूम, ड्राइंग डाइनिंग, आपके किचन एंड सेकेंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगा, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। सो गाइज, ये था हमारा ड्राइंग एरिया। इसी के साथ एडजॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया, जिसमें पहले तो आप इस वॉल की तरफ देखिए, लाइक कितना ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पे वॉल बना रखा है, जिसमें वुडन का यूज़ किया गया है। आपका एलईडी पैनल ब्यूटीफुली यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जहाँ पे आप अपना एलईडी प्लेस कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल देखिए, लाइक कितना ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है। आपके ड्राइंग एरिया हमने चेकआउट किया, वहाँ पे आपके ग्रीन सोफे थे, एंड यहाँ पे कलर बिल्कुल डिफरेंट आ जाएगा। तो लाइक पूरे ही घर में इन्होंने बहुत ही डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं इन द इंटीरियर। यहाँ पे पीछे आप पूरा वॉल देख सकते हैं, ग्लास वर्क कम्प्लीट आ जाएगा। वहाँ पे आप काफ़ी डिज़ाइनिंग पीसेस देख सकते हैं, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई हैं। पीछे की वॉल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका पूरा ब्यूटीफुल वुडन वर्क आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना एलईडी प्लेस कर सकते हैं। एंड आपके ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया में कम्प्लीटली जो आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं ना, विद एलईडी लाइट्स, ये आपको सारी एज इट इज़ मिलने वाली है। एंड आपकी जितनी भी कम्प्लीट फ्लोरिंग रहेगी, वो सारा टाइल वर्क के साथ रहने वाला है। एंड इसके एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा किचन आफ्टर योर डाइनिंग एरिया। तो किचन आप कंप्लीट देख लीजिए, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जिसमें डिफरेंट कैबिनेट्स आ जाएंगे। अगर हम अपर कैबिनेट्स देखेंगे पहले, तो आप देख लीजिए यहाँ पे साइज कैबिनेट्स का। आपका चिमनी यहाँ पे आपको एज इट इज मिलने वाला है, एलिका ब्रांड यूज किया गया है चिमनी में। लोअर कैबिनेट्स की बात करेंगे तो ये आपके सॉफ्ट क्लोजर के साथ आ जाएंगे। ग्रेनाइट का कंप्लीट आपका कुकिंग काउंटर आ जाएगा, जहाँ पे आप अपना हॉब प्लेस कर सकते हैं। कमिंग टू दिस साइड, स्टार्टिंग में ही पहले स्पेस आ जाता है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, देन यहाँ पे आ जाएगा आपका पेंट्री के लिए स्पेस। यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड आ जाएगा ये। एंड यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके सारे अप्लायंसेस के लिए, अपना माइक्रोवेव, ओटीजी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्यूल सिंक, जहाँ पे आपका मूविंग फॉसेट रहेगा। अपने यूटेंसिल्स वगैरह यहाँ पे वॉश करने के बाद आप उनको यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कैबिनेट मिल जाते हैं। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी जो बालकनी है वो आपकी रनिंग बालकनी है। आपके फर्स्ट बेडरूम, आपके ड्राइंग एरिया, आपके किचन एंड आपके सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड रहेगी। तो आइए उसको चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइज, ये आपकी जो बालकनी आप देखिए, वहाँ से शुरू हो रही है आपकी बालकनी एंड वहाँ पे ख़त्म होती है। लाइक इतनी बड़ी बालकनी आपको यहाँ पे मिल रही है कि आप इसमें वॉक कर सकते हैं, सीरियसली गाइज। एंड अगर इसकी साइज़ की बात करें तो 6 feet वाइड आपकी बालकनी रहने वाली है। रेलिंग की हाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी हाइट दी गई है रेलिंग की। एंड अगर बात करेंगे इस बालकनी के व्यू की, तो यहाँ से आपको पूरा गोल्फ कोर्स का व्यू मिलने वाला है। गाइज, यहाँ पे आपके जितने भी अपार्टमेंट्स रहेंगे वो सारे गोल्फ कोर्स फेसिंग रहेंगे, तो आपको यहाँ पे ग्रीनरी जो है वो बहुत अबंडेंस में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो ये थी हमारी बालकनी एंड आर किचन। नाउ वी आर ऑल डन विद आर ड्राइंग, डाइनिंग एंड किचन। अब चलते हैं रूम्स की तरफ। तो यहाँ आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। सो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम इन द साइज ऑफ 13x11, जिसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे भी कलर्स देख लीजिए, कितने ब्यूटीफुल कलर्स एंड बहुत लाइट से कलर्स इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं। पीछे का वॉल अगर आप देखेंगे, इस पे कंप्लीट पैनलिंग हो रखी है आपकी, पीछे पेंटिंग आ जाएगी आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी। आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हैं कि बहुत कम चीजों के साथ अपने रूम को आप किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप इस रूम में देखिए बहुत कम चीजें यूज करी गई हैं, बट फिर भी आपका रूम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ पे। इसी रूम में आपका अटैच वॉशरूम भी आ जाएगा यहाँ पे।
सो ये वॉशरूम आपको ड्यूअल एंट्री के साथ मिल जाता है, एक एंट्री आपके रूम के थ्रू रहेगी एंड एक एंट्री रहेगी आपकी बालकनी से, तो अगर कभी आप बालकनी में बैठे हैं तो वहां से अगर आपको वॉशरूम यूज करना है आप डायरेक्ट यहां से आ सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में सर्वेंट वगैरह हैं तो वो भी इसको यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगी आपकी बालकनी जो कि आपकी रनिंग बालकनी थी, मैंने आपको किचन से दिखाई थी, वही इसके साथ भी आपकी कनेक्टेड रहने वाली है। सो कमिंग टू दिस वॉल, यहाँ पे रहेगा आपके LED पैनल का स्पेस जहाँ पे आप अपना LED इंस्टॉल कर सकते हैं एंड आपका AC का डक्टिंग। ऊपर कंप्लीट आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं विद LED लाइट, इस रूम में भी आपका सारा एज इट इज रहने वाला है। एंड यहाँ रहेंगे आपके वॉल माउंटेड कबर्ड्स विद वेरी गुड स्पेस एंड लेआउट, आप देख सकते हैं पूरे ऊपर तक हाइटेड है आपके कबर्ड, लाइक सारा स्टफ आपका इजीली आ जाएगा इनमें। सो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम आवर गेस्ट बेडरूम, अब चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। बट आपको सेकंड बेडरूम में लेके जाने से पहले मैं ये स्पेस आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा है जिसको आप एज अ पूजा स्पेस भी यूज कर सकते हैं क्योंकि घर में पॉजिटिव वाइब्स भी जरूरी होती है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा सेकेंड बेडरूम। अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज आ जाएगा आपका 13x11 एंड गाइज इस घर के आपके तीनों ही बेडरूम सेम साइज के आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसमें भी आप देखिए कितने ब्यूटीफुल कलर्स यूज किए गए हैं, लाइक आपका ग्रे यूज किया गया है, आपका येलो यूज किया गया है, आपका ब्राउन यूज किया गया है, लाइक डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। इस रूम के साथ भी अटैच आपकी बालकनी आ जाएगी जो कि आपकी रनिंग बालकनी है। पीछे आप बेडिंग का स्पेस देख सकते हैं, यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हैं आप अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए, कलर देख लीजिए सारी चीजों का। कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके LED पैनल के लिए जहाँ पे आप अपना LED प्लेस कर सकते हैं एंड आपकी AC की डक्टिंग। इसमें भी आपका सारा कंप्लीट फॉल सीलिंग LED लाइट सारा एज इट इज रहने वाला है। एंड गाइज इस रूम में आपका बेड प्लेस करने के बाद भी हमारे पास इतना स्पेस बच जाता है कि यहाँ पे चेयर्स ऐड हो सकती हैं, अगर आप ऐड करना चाहें आप काउच भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ रहेंगे आपके कबर्ड्स, वॉल माउंटेड कबर्ड्स आपको यहाँ पे भी मिल रहे हैं। वाओ काफी अच्छा स्पेस आपको कबर्ड में मिलने वाला है, आप लेंथ भी पूरी देख सकते हैं, ऊपर तक कबर्ड आ जाएगा, लाइक काफी ज्यादा स्पेस मिल रहा है आपको इस कबर्ड में। एंड गाइस इसी रूम के साथ अटैच आपका वॉशरूम भी आ जाएगा एंड ये आपका कॉमन वॉशरूम है, आपके थर्ड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। तो आइए पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो ये रहेगा कंप्लीट वॉशरूम, अमेरिकन स्टैंडर्ड की सारी फिटिंग्स आ जाएंगी, फ्लोरिंग आपकी कंप्लीट एंटी स्किट रहने वाली है एंड वॉल पे भी आप कंप्लीट टाइलिंग देख सकते हैं ऊपर तक, फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो भी दिया गया है यहाँ पे। सो आइए चलते हैं अब हमारे थर्ड बेडरूम में। तो ये है हमारा थर्ड बेडरूम आर मास्टर बेडरूम जिसमें आपको कंप्लीट जो फ्लोरिंग मिलने वाली है वो वुडन टेक्सचर के साथ मिलने वाली है। एंड कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपकी LED के लिए जहाँ पे आप अपना LED प्लेस कर सकते हैं। एंड गाइज आपके मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पे आपको मिल जाती है बिल्कुल प्राइवेट बालकनी। तो आइए चलते हैं पहले बालकनी चेकआउट करते हैं। वाओ कितनी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पे। सो गाइज आपको मास्टर बेडरूम के साथ ये बिल्कुल प्राइवेट बालकनी यहाँ पे मिलने वाली है। साइज देख लीजिए पहले बालकनी का, 6 feet वाइड बालकनी ये रहने वाली है। रेलिंग भी आपको सेम मिल जाएगी यहाँ पे, काफी अच्छी हाइट के साथ आ रही है। एंड अगर हम बात करें इसके स्पेस की तो इतना ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, आप सिटिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं, अगर आप झूला लगाना चाहें वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लाइक इतना ज़्यादा स्पेस आपको बालकनी में यहाँ पे मिलने वाला है। एंड गाइज आगे बढ़ते हैं, रूम की और भी चीज़ें चेकआउट कर लेते हैं। तो रूम में आपको कबर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ पे वॉल माउंटेड कबर्ड्स आ जाएंगे आपके, जिनका स्पेस आप देख लीजिए एक बार, आपको ऊपर तक इनमें स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी स्टोरेज आपकी कबर्ड में रहने वाली है। एंड जैसे कि आप ये पीछे का वॉल देख रहे हैं ना गाइज, काफ़ी अच्छे से इन्होंने इसको डेकोरेट कर रखा है, लाइक इसमें इन्होंने मिरर भी ऐड कर रखा है, तो आप यहाँ से आइडियाज भी ले सकते हैं अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। ऊपर अगर आप देखेंगे कंप्लीट फॉल सीलिंग विद LED लाइट सारा आपको एज इट इज मिलने वाला है एंड यहाँ पे रहने वाली है आपकी AC की डक्टिंग। सो ये था हमारा थर्ड बेडरूम। सो दिस वॉज आर 3 BHK। इन्वेंट्रीज की बात करें तो आपके पास इसके अलावा यहाँ पे 4 BHK एंड पेंट हाउसेज भी अवेलेबल रहेंगे।
सो गाइज, अब हमने पूरा जो हमारा टाउनशिप है वो चेकआउट कर लिया है, मैं आपको पूरी डिटेल्स भी दे चुकी हूँ। एंड जो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी है, ये जो आपकी लोकेशन है, ये आपकी पूरी पॉश लोकेशन आ जाती है, सेक्टर 91 है आपका। कनेक्टिविटी का आपको कोई इशू नहीं होने वाला है, दो मेजर हाईवेज कनेक्टेड रहेंगे। एंड ग्रीनरी तो आपको यहाँ पे अबंडेंस में मिलने वाली है, क्योंकि प्रोजेक्ट के बिल्कुल एडजॉइंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है गोल्फ कोर्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कॉल करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।